नमस्कारम। जैसे कि आपने देखा, आज हम बात कर रहे हैं कि अपने शरीर में सूर्य के प्रभाव को कैसे संतुलित किया जा सकता है और इसका ठीक प्रकार से प्रयोग करके कैसे विभिन्न शारीरिक और मानसिक लाभ लिए जा सकते हैं। आप समझें कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। इनमें से जो विशेष एक तत्व है वो अग्नि तत्व है। इस अग्नि तत्व से ही हमारा पाचन प्रभावित होता है। जठराग्नि के रूप में ये अग्नि कार्य करती है, तभी किसी भी भोजन का पाचन होता है। साथ ही साथ मानसिक अवस्थाओं में भी इसका विशेष महत्व होता है। और योग के अंतर्गत पंच अग्नि एक सिद्धांत बताया गया है, जिसमें कि पांच अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती हैं जो कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करती हैं। हम उनको संपादित कर पाते हैं और जब ये अग्नियां मंद होनी शुरू हो जाती हैं तो मानसिक विकार होंगे, पाचन ठीक नहीं होगा, हम अंतर्मुखी से हो जाएंगे, अपने तक सीमित होकर के रह जाएंगे, हम अपने आप को दर्शा नहीं पाएंगे, आत्मविश्वास बिल्कुल न्यून हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की स्थितियों से परेशान रहते हैं वो इस अग्नि को संतुलित करके या अपने शरीर में सूर्य के प्रभाव को संतुलित करके विशेष लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ कहा गया है जिन व्यक्तियों को वात दोष होता है, यानी कि वायु बनती है, यानी कि उनको घुटनों में दर्द है या फिर उनको त्वचा संबंधी विकार भी हो सकते हैं, उनकी आंखें कमजोर हैं, बालों पर ऐसे नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं या फिर उनको भोजन करने के बाद गैस की समस्या रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये प्राणायाम जो हम अभ्यास कर रहे हैं आज विशेष उपयोगी रहेगा। और आज का हमारा अभ्यास है सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्यभेदी प्राणायाम आपने पहले भी समझा होगा, लेकिन हमें आवश्यकता लगी कि शास्त्र संबद्ध मार्गदर्शन आप तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि आपके अभ्यास में संशोधन हो सके या आपको अभ्यास का नहीं पता है तो ठीक से आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज हम दो अलग अलग शास्त्रों के आधार पर इसका मार्गदर्शन करेंगे। पहला होगा हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से और दूसरा होगा घेरंड संहिता के माध्यम से। दोनों ही अभ्यासों में कुछ थोड़ा थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, आप देखें और समझें कि दोनों ही किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हठ योग प्रदीपिका में किस प्रकार से मार्गदर्शन किया गया है। तो आपको इस अभ्यास के लिए सहज बैठ जाना है, किसी भी शांत स्थान पर सुबह के समय इसका अभ्यास करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो आपको इस प्रकार से अपने हाथ की मुद्रा बना लेनी है। शुरुआत की दो उंगलियों को इस प्रकार से आप फोल्ड कर लें और इस तरीके की एक स्थिति बना लें। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने बाईं नाशिका को बंद करना है और दाईं नाशिका से आपको सांस लेना है, लेकिन बहुत तेज गति से सांस नहीं लेना है, धीमा 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 सांस आपको अंदर भरना है और सांस इतना अंदर भरना है कि फिर कुछ शेष ना बचे और सांस आप अंदर नहीं ले सकते हैं। फिर आपको अंदर ही सांस को रोकना है और समझ लें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी लाभ हो पाएंगे कि तब तक सांस को रोकने का संकेत किया गया है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब मैं एक क्षण भी नहीं रोक सकता, आपके शरीर में पसीने आ जाएं, तब तक आपको पूर्ण क्षमता लगा करके सांस को रोकना है और उसके बाद अपनी बाईं नाशिका से सांस को बाहर छोड़ना है, दाईं को बंद कर लेना है सांस छोड़ते हुए। तो ये आपका एक अभ्यास हुआ, इसको एक बार करके भी देखते हैं। तो आपको सहज बैठ जाना है और अपने हाथ की मुद्रा बना करके अपनी बाईं नाशिका को बंद करके दाईं नाशिका से सांस अंदर भरना है। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। हमने अभी बहुत अधिक समय तक रोक के नहीं बताया, लेकिन आपको जब आप अभ्यास करें तो जितना अधिक हो सके उतना अधिक सांस को अंदर भर के और अंदर रोकने का उसको कोशिश करनी है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बढ़ते हैं घेरंड संहिता के अंतर्गत क्या इस विषय में मार्गदर्शन किया गया है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है, पहले सांस को अंदर लिया, सांस को अंदर रोका, लेकिन यहाँ पर जालंधर बंद का भी प्रयोग किया जाता है। जालंधर बंद लगाना है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी बताया गया है अनुभवों के आधार पर कि इसमें मूल बंद का भी अगर अभ्यास किया जाता है तो वो भी विशेष उपयोगी रहेगा। तो आपको समझ लेना है कि पहले आपने अपनी बाईं नाशिका को बंद किया और दाईं नाशिका से सांस को पूरा आपने अंदर भरा, फिर आपने अपनी दोनों नाशिकाओं को बंद करके सांस को अंदर रोक लिया, उसके बाद आपने जालंधर बंद लगाया
और उसके बाद आपने मूल बंध लगाया। और जब आप इस अवस्था में हैं कि दोनों नाशिकाएं बंद, जालंधर बंद, मूल बंद लगा हुआ है, सांस को रोका हुआ है, तब आपको अनुभव करना है कि जो आपकी अपान वायु है उसको आप ऊपर की तरफ जाता हुआ अनुभव करें और जो आपकी प्राण वायु है उसके साथ उसका संयोग होता हुआ जैसे अनुभव करता है एक योगी उच्च अभ्यासों में। तो कोशिश करनी होती है कि ऐसा अनुभव करें कि जो हमारे मूल प्रदेश में यानी कि पेल्विक रीजन में जो अपान वायु हमारी स्थित होती है वो जैसे ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसा अनुभव करना होता है। एक बार विधि को ठीक से समझ लें तो आप अपने अभ्यास में इसको प्रयोग करेंगे और आपको पूर्ण लाभ होंगे। इस प्रकार से आपको बैठना है सहज और वही आपको हाथ की मुद्रा बनानी है। उसी प्रकार से आपको अपने बाईं नाशिका को बंद करके दाईं से सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि सबसे पहले हमने दाईं नाशिका से सांस को अंदर लिया, सांस को अंदर हमने रोका, उसके बाद हमने जालंधर बंद लगाया, फिर मूल बंद लगाया और फिर वहाँ पर हम उस स्थिति में जितना हो सकते हैं उतना समय तक रुके। इस स्थिति में रुकना आपके लिए कुछ कठिन अवश्य होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके अभ्यास परिपक्व होंगे, अभ्यास बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लिए ये सहज होना शुरू हो जाएगा। फिर सबसे पहले हमने मूल बंद को छोड़ा, फिर हमने जालंधर बंद को छोड़ा और उसके बाद अपनी बाईं नाशिका से हमने सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया। फिर से यही आवृत्ति करनी है, फिर से दाईं नाशिका से सांस को लिया, अंदर रोका, जालंधर बंद, मूल बंद, और यही क्रम आपका चलता रहेगा। तो ये एक उच्च अभ्यास है। पहले हमें लगता है कि जो हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत अभ्यास बताया गया है वो एक सहज अभ्यास है, लेकिन उसमें भी जितना उसको दीर्घ कर सकें, जो सांस को आप अंदर रोक रहे हैं उसको जितना दीर्घ कर सकें उसका अभ्यास करना है। और जब वो अभ्यास परिपक्व हो जाए तब घेरंड संहिता के अंतर्गत बताया गया जालंधर बंद के साथ जो अभ्यास है उसको आप कर सकते हैं। मूल बंद इसमें अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो पहले जालंधर बंद के साथ अभ्यास करें, वही घेरंड संहिता के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन साधकों का ये अनुभव है कि इसमें अगर मूल बंद का प्रयोग भी किया जाता है तो ये भी उपयोगी है, तो ये अभ्यास भी आप साथ ही साथ करते हैं तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसा करने से आपको देखेंगे आप कि आपका जो सूर्य तत्व है वो शरीर में बढ़ना शुरू होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, मिर्गी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, उन लोगों को ये नहीं करना है अभ्यास, उनके लिए वर्जित है, सामान्यतः कर सकते हैं। या फिर शरीर में बहुत अधिक पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत अधिक गर्मी बढ़ी हुई है, वो लोग ना करें, अन्यथा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि सूर्य वेदी प्राणायाम करने से एकदम से उष्णता शरीर में बढ़ जाती है। ये अभ्यास किसी भी तत्व को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए नहीं होते, ये अभ्यास उस तत्व को संतुलित करने के लिए होते हैं। संतुलन के लिए अभ्यास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। तो घबराएं नहीं, अभ्यास आप कर सकते हैं, आपको कोई हानि किसी प्रकार की नहीं होगी। लेकिन जो हमने कहा बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, माइग्रेन है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ऐसी समस्याओं में इसको नहीं करना है, बाकी अभ्यास किया जा सकता है। आपको विशेष मानसिक लाभ प्राप्त होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, आप अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर सकेंगे, पाचन की समस्या है समाप्त होगी, और भी जो वात रोग हमने बताया और वात के कारण जितनी भी होने वाली व्याधियाँ, जितनी भी समस्याएँ हैं उनमें आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से इन अभ्यासों से जो हमारे शास्त्र सम्मत हमारे योगियों ने हमें अभ्यास दिए हैं अमूल्य विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यही हमारी आपके लिए प्रेरणा है कि आप अपने मूल से जुड़ें, आप योग से जुड़ें और विभिन्न स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हुए जीवन को आनंदित होकर के सुखपूर्वक आगे चलाएं। तो इस प्रकार की हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इनको आप जीवन में धारण करेंगे, लाभ उठाएंगे। आज के लिए यही मार्गदर्शन था, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।